इंडिया कप 2.0। अगली बॉल, बॉल को उठाया, इस बार काफी ऊपर गई है, क्या दूरी मिलेगी जिया, बिट्टू मैक्सी एक और कड़क छक्का। भैया ने मेरा विकेट ले लिया, मैंने एक छक्का लगाया, अगले बॉल पे विकेट ले ली, क्यों लिया आप? नहीं, एक छक्का लगाया, उससे पहले कैच छूटा, ये भी बताओ, कैच छूटा फिर एक छक्का लगाया फिर आउट किया, दो बार आउट किया एक ओवर में। और आप मिल सकते हैं गाइस थॉमस भैया, जो कि मार के हम लोग को हरा दिए मैच, और आज के मैन ऑफ द मैच, काफी अच्छी बैटिंग की है। और भैया कैसा लगा खेल के? ऑफ कोर्स अच्छा लगा, टीम जीतती है तो हमें हमेशा खुशी होती है, और हम अगर उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए और अगर मैन ऑफ द मैच मिलता है तो उसकी खुशी दुगनी हो जाती है। इंडिया कप अपना सीजन 2 है इस बारी, और बिहार की टीम यहां पे खेल रही है, हमें बहुत खुशी हो रही है। मैं पहली बार मैक्सी से मिल रहा हूं, अच्छी खासी बैटिंग की उन्होंने, और नेचर के भी अच्छे हैं, बात करने में भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जो आजकल के प्लेयर नहीं कर रहे हैं। तो लीजिए बाहर जा रहे अब सरफराज खान, अंदर आ रहे अब बिट्टू मैक्सी, यहाँ पे इनको मौका मिले, इस मैच में पहले मैच में थे नहीं। बिट्टू मैक्सी अब बैटिंग करेंगे, क्या जो धमाल कर रहे थे बीच में वो धमाल फिर एक बार देख पाएंगे? इस ओवर में भी धमाल किया था सरफराज बाहुबली ने, दो छक्का दो बड़ा शॉट, क्या बिट्टू मैक्सी यहां पर आते ही मन बनाएंगे बड़ा शॉट के लिए? दो गेंद बाकी अभी भी इस ओवर में, निश्चित रूप में उछाल था इस गेंद में, व्हाइट करार दिया अंपायर द्वारा, अंत भला तो सब भला। फुल टॉस बॉल मिड विकेट की ओर खेलने का प्रयास बिट्टू मैक्सी, थोड़ी सी मिसफील्ड, दो की मांग करेंगे क्या? जी नहीं, मना किया सिंगल इस बॉल से। राजा था फ्रॉम दुर्गापुर, मिस्टर हेमंत बनियल, मिस्टर चंद्रकांत सिंधे, मिस्टर ऋषिकेश बैद्य, मिस्टर मेहताब खान एंड मिस्टर अंसाफ। बिट्टू मैक्सी एक तरफ है, एक तरफ अनुभव सिंह, देखना होगा कितने रन जोड़ेंगे यहां से दोनों बल्लेबाज, बॉलिंग मार्क पे तैयार बॉलिंग के लिए। संकेत पाटिल तो रिसेंटली बहुत मैच खेल चुके हैं बंगाल में, और यहां पे आज फिर से एक बार तैयार इस मुकाबले में बेहतर करना चाहेंगे। सामने बिट्टू मैक्सी, ये देखिए अंकुश सिंह है फील्डिंग करते हुए, आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ओवर की पहली बॉल, पहली बॉल बॉल को उड़ाया, इस बार कनेक्शन अच्छा, पीछे फील्डर कोई मौका नहीं, इस बार शानदार 6 रन बिट्टू मैक्सी। तो धीरे धीरे वापसी कर रहे इस मैच में टीम बिहार झारखंड पीवीआर फैंथार, एक अच्छा जगह पर टीम है अब, और यहां से 100 रन बनाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए किसी भी फॉर्मेट में, खासतौर पे अगर 8 ओवर 6 ओवर 10 ओवर के फॉर्मेट, ट्रिपल डिजिट हमेशा चाहते हैं टीम करे। ये देखिए वो छक्का, आखिरी बॉल से जो छक्का लगा था, अगली बॉल, चेंज पेस, इस बार अपील हुई काफी तेज, यहाँ पे अंपायर ने को इंटरेस्ट दिखाया नहीं, सिंगल पूरा करते हुए लेग बाय के रूप में। यहाँ पे एक रन आसानी से पूरा करते हुए, थोड़ा सा यहाँ पर टास था बैट का, एक और रन संकेत पटेल, फिर एक बार करा रहा ड्राइव, और देखिए यहां पर बंदूक से निकालते हुए गोली की तरह ये गेंद भी सीमा रेखा पार, एक और चौका। बिट्टू मैक्सी पिछले मैच में ये थे नहीं, तो बहुत सारा सवाल था कि बिट्टू मैक्सी क्या प्लेइंग 11 में होंगे, और इस मैच में जैसे ही मौका मिला मौके को दोनों हाथों से कबूल किया। ये भी बहुत पॉपुलर क्रिकेटर है बिहार झारखंड में बिट्टू मैक्सी अबाबुल, जी हाँ सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं, और क्यों छाए रहते हैं वो यहाँ पे दिखाया, इस पारी में आते ही अपनी बैटिंग से टीम का स्कोर 78, 3 विकेट, बिट्टू मैक्सी 4 बॉल से 12, एक तरफ अनुभव सिंह 12 बॉल से 18 रन, संकेत पाटिल थोड़े से महंगे रहे अभी तक, 12 रन खर्च कर दिए 4 बॉल से। सामने तैयार बिट्टू मैक्सी फिर से एक बार अगली बॉल के लिए, बॉलिंग मार्क पे संकेत पाटिल, इस बार रिवर्स करने का प्रयास था, सिंगल की मांग हुई काफी तेज भागे विकेट के बीच, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, सिंगल इस बॉल से बिट्टू मैक्सी नाबाद है 13 रन बनाकर 7 गेंद से, और अनुभव सिंह 13 गेंद से 24 रन बनाकर नाबाद, 30वां गेंद डालेंगे इस ओवर का, अंकुर सिंह सामने होंगे बिट्टू मैक्सी। इस बार फिर से रिवर्स करने का प्रयास था, फील्डर मौजूद है यहां पे, यस नो
एक और डॉट बॉल, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, क्योंकि तीन डॉट बॉल वो भी अब सातवें ओवर में, तो मेरे ख्याल से दबाव ऑटोमेटिक बढ़ेगा आपके ऊपर, पसा बदल गया इस ओवर में। इंडिया कप 2.0, अगली बॉल, बॉल को उठाया इस बार काफी ऊपर गई है, क्या दूरी मिलेगी जिया, बिट्टू मैक्सी एक और कड़क छक्का, बिल्कुल अबापुल यहां पर ऊंचाई भी मिले और दूरी भी मिले, एक और कड़क शॉट बिट्टू मैक्सी, उम्मीद था पहला तीन गेंद से कोई रन नहीं और चौथा गेंद में भरपूर अटैक पर गए यहां पर बिट्टू मैक्सी ने, और देखिए रिप्ले में लेंथ में थोड़ी सी कमी था और बेहतरीन शॉट यहां पर, आई कॉन्टेक्ट देखिए गेंद के साथ और फुटवर्क देखिए, खास ये फुटवर्क बिट्टू मैक्सी का। जी हाँ, शॉर्ट ऑफ लेंथ को अगर खेलना है आपको तो बॉडी बैलेंस, पैर का संतुलन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे करके दिखाया बिट्टू मैक्सी। खेलेगा इंडिया, झूमेगा इंडिया। अगली बॉल फिर से एक बार उड़ाया बॉल को, क्या दूरी मिलेगी इस बार, जी नहीं, फील्डर है नीचे बॉल के, शानदार कैच, विकेट नंबर 4, विश्वजीत ठाकुर थे फील्डर, कोई गलती नहीं, वापस जाएंगे बिट्टू मैक्सी 10 बॉल से 19 बनाकर डगआउट की राह पे, विकेट नंबर 4 फॉर बिहार झारखंड पीवीआर पैंथर्स। चलिए बिट्टू एक अच्छा कैमियो निभाया यहाँ पे, जो काम इनको करना चाहिए था, 10 बॉल से 19 बनाकर डगआउट की राह पे। पहले गाइस मैच हो चुका है खत्म, और मैं बता दूं कि सेकेंड मैच हुआ और सेकेंड मैच में मुझे चांस दिया गया और मैंने बिल्कुल कैप्टन के अनुकूल मैं उतरा, 10 बॉल में 19 रन था, हालांकि ये विकेट काफ़ी टफ है, 8 ओवर में 100 रन बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग के गेंदबाज उतने अच्छे कुछ खास कर नहीं पाए, जिसकी वजह से हम लोग मैच हार गए। अगेंस्ट टीम में अंकुर भैया लोग थे, काफ़ी अच्छा नाम, काफ़ी अच्छी टीम, महाराष्ट्र वर्सेस बिहार, अगेंस्ट टीम के कैप्टन अंकुर भैया, और काफ़ी अच्छा मैच रहा और भैया ने मेरा विकेट ले लिया, मैंने एक छक्का लगाया, अगले बॉल पे विकेट ले ली, क्यों लिया आप? नहीं, एक छक्का लगाया, उससे पहले कैच छूटा, ये भी बताओ, कैच छूटा फिर एक छक्का लगाया फिर आउट किया, 2 बार आउट किया एक ओवर में, आप बड़े बॉलर हैं ना, अभी हम ऊपर जा रहे हैं धीरे धीरे, तो धीरे धीरे मारेंगे। बहुत अच्छा मैच हुआ, बहुत इंजॉय हुआ, ऐसा नहीं कि वन साइड मैच हुआ, बहुत अच्छा क्रिकेट हुआ, दोनों टीम का बैलेंस था, ऐसा नहीं था कि कोई टीम मतलब वन साइडेड मैच जीती, अच्छी करी यार, थोड़ा और मेहनत करो, ऐसे इंप्रूव करते रहो, थोड़ा और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेलते रहो, थोड़ा एक्सपीरियंस है, खेल खेल के सीखोगे, फेलियर से सीखोगे, ऑल द बेस्ट फॉर योर क्रिकेट करियर। ओके, थैंक यू सो मच भैया। और आप मिल सकते हैं गाइस थॉमस भैया, जो कि मार के हम लोग को हरा दिए मैच, और आज के मैन ऑफ द मैच, काफ़ी अच्छी बैटिंग की है, और भैया कैसा लगा खेल के? बहुत अच्छा लगा, टीम जीतती है तो हमें हमेशा खुशी होती है, और हम अगर उसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए और अगर मैन ऑफ द मैच मिलता है तो उसकी खुशी दुगनी हो जाती है। बैटिंग आपके ऊपर के 4-5 बैट्समैन ने काफ़ी अच्छी की, बॉलिंग में भी थोड़ा सा हमें नए मतलब पैसा रीड करने थोड़ा डिफिकल्टीज हो रहा था जी, बिल्कुल, हालांकि फर्स्ट टूर्नामेंट था आपका मतलब पैसा इसमें इंडिया कप में, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के अलावा आपने काफ़ी अच्छा, पहली बार मैक्सी से मिल रहा हूँ और अच्छी ना रही, हाँ बिल्कुल बिट्टू मैक्सी, बिट्टू मैक्सी पहली बार मिल रहा हूँ, अच्छी खासी बैटिंग की उन्होंने और नेचर के भी अच्छे हैं, बात करने में भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं जो आजकल के प्लेयर नहीं कर रहे हैं। इंडिया कप अपना सीजन 2 है इस बारी और बिहार की टीम यहाँ पे खेलने में हमें बहुत खुशी हो रही है और ऐसे प्लेयर्स बिहार से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, इतना बढ़िया खेले लास्ट मैच में मैं इतना हाई स्कोरिंग गेम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मैं खुद पर्सनली खुश थी और मैं पर्सनली चाहती थी कि ये टीम जीते, मतलब मैं आपकी टीम को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी और मैं मतलब अभी ऑर्गेनाइजिंग टीम से इसलिए डगआउट में आके बैठ नहीं सकती, लेकिन मैं पर्सनली चाहती थी कि बिहार जीत जाए, बट कोई नहीं, अभी भी हमारे पास एक चांस है, अभी देखते हैं कल, बट आई एम वेरी हैप्पी, आपके सारे प्लेयर्स टू गुड। और फाइनली मिल सकते गाइस अनुभव भैया, हमारी टीम के कैप्टन, बिहार टीम के कैप्टन, और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी रही आज के मैच में, भैया लगभग 44 पे आउट हो गए, आउट नहीं हुए, नॉट आउट थे, और कैसा लगा भैया खेल के? खेल के अच्छा ही लगा, फर्स्ट टाइम आए थे एज ए बिहार के टीम बन के, अरे प्लेयर आए कॉपरेट किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, खेले फर्स्ट टाइम था हमारा इस तरह का टूर्नामेंट में, हाँ रिजल्ट नहीं हुआ लेकिन बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं, अगले साल आएंगे तो और अच्छे से एफर्ट करेंगे, तो गाइज अगले साल फिर से आएंगे, इस बार रियली में बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। ओके,